हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मोती डूगरी गणेश मंदिर के दर्शन करवाने वाला हूँ। और दोस्तों, इस बार की झांकी में मुख्य आकर्षण है 1.25 लाख लड्डुओं का भोग। गणेश जी पर इस बार 1.25 लाख लड्डुओं से भोग किया गया है, जिनकी सुंदर झांकी आपके समक्ष है, जिसको देखकर सच में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और हर वर्ष यहाँ पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसी प्रकार से झांकी का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों, जयपुर तो एक ऐतिहासिक नगरी है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर हमेशा आप जब भी आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटक यहाँ पर यहाँ की जो ऐतिहासिक विरासतें हैं उनको निहारने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत ही सुंदर सिटी है और बहुत ही अच्छी सिटी है। यहाँ पर आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे यहाँ के जो वाइब्स हैं उनको देखकर। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे विदेशी पर्यटक यहाँ पर टहल रहे हैं, ऐसे ही प्रायः यहाँ पर आपको जो विदेशी युवक हैं, युवतियाँ हैं, वो आपको देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर विदेशी पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। और सामने दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये मोती डूंगरी वाले गणेश जी का मंदिर का प्रांगण है। और अभी सामने आपको झांकी के दर्शन भी होंगे। यहाँ पर ये लोगों ने मन्नत के धागे बांधे हुए हैं, उनका भी आपने दर्शन किया। यहाँ पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर बहुत भीड़ होती है, आज भी यहाँ पर बहुत भीड़ है। और ये सामने लड्डुओं का भोग, जिनका दर्शन पाकर ही मनुष्य को बहुत ही सुकून की अनुभूति होती है। और बहुत सारे जो देसी और विदेशी मेहमान यहाँ पर यही नज़ारे का दीदार करने आते हैं और अपनी मन्नत लेकर आते हैं। और लोगों की मन्नत पूरी होती होगी तभी तो यहाँ पर इतनी सारी भीड़ जमा होती है। और गणेश चतुर्थी पर यहाँ पर आना एक विशेष महत्व रखता है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर है, वैसे ही राजस्थान के लिए ये मंदिर है। यहाँ पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर अभी ये जो 10 दिन ये गणेश उत्सव का जो त्यौहार चलेगा, तब आपको 10 दिनों तक यहाँ पर ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी। नित्य नई नई झांकियों का आयोजन होगा और बहुत सारे पर्यटक इन नज़ारों का दीदार करने यहाँ पर उपस्थित होंगे। और इस मंदिर का इतिहास तकरीबन 400 साल पुराना इतिहास है और बहुत सारा यहाँ पर इस मंदिर के विषय में मिथ्य भी हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी घटनाएँ भी हैं जिनकी वजह से ये मंदिर बहुत विख्यात है। और जयपुर का जो पुराना निवासी है या यहाँ पर दूर दराज से जो भी लोग आते हैं इस मंदिर पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और गणेश जी के मंदिर के आसपास के एरिया में अगर आप जब देखेंगे तो वर्ष भर यहाँ पर ये दुकानें इसी प्रकार से सजी रहती हैं। और गणेश उत्सव के महत्व के अनुसार यहाँ पर इस समय तो आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। सिर्फ इस समय यहाँ पर प्रसाद नहीं मिलता है, प्रसाद की दुकानें बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि बाबा पर प्रसाद का भोग पहले से ही चढ़ा दिया जाता है और जिसकी वजह से प्रसाद चढ़ाना वर्जित होता है। लोग आएँ, दर्शन करें और आराम से अच्छी यादों के साथ यहाँ से विदाई लें। दोस्तों, यहाँ से अब दूसरी वीडियो का आगमन हो गया है और इससे आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये नज़ारे देखकर अगर आपको ये लोकेशन पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। और आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी आप हमें वो भी बताएं। और पिछली वीडियो को तो आपने बहुत सारा प्यार दिया जो कि गोविंद देव जी मंदिर की थी, और ये वीडियो अब कौन सी होने वाली है, कौन सी जगह आप देखने वाले हैं, आप गैस कर सकते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आप सभी अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं यानी कि हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस का सिलसिला कभी नहीं थमता, ऐसी ही शानदार बेहतरीन वीडियोस यहाँ पर आती रहती हैं। और दोस्तों, आप सभी के कमेंट बहुत प्यारे होते हैं, मैं आप सभी के सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। जय हिंद दोस्तों।